तो हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हमेशा दो दिन चार दिन में इस तरह का कमेंट आता रहता है कि मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपको बतानी है। तो मैं अक्सर उन लोग को बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी आप लोग का दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि नहीं मुझे आपका नंबर ही चाहिए, आपसे बात करनी है। तो इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, या मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा या नहीं दूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले नंबर के बारे में बताने से पहले आपको मैं दो रीजन बताता हूं। सबसे पहले कि बिहार में आशाओं की संख्या करीब करीब 93,000 के आसपास है। अभी तो और भी बहाली हुई है, और भी बहुत सारे क्षेत्र छूटे हुए थे तो उसमें उन लोग की ज्वाइनिंग हुई तो और भी संख्या बढ़ गई है। अगर मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर दे देता हूं, मतलब इस चैनल में पब्लिश कर देता हूं कि मेरा नंबर है 8969628659, कुछ भी, मतलब इस तरह का अगर मैं कोई नंबर दे देता हूं, मैं अपना प्राइवेट नंबर या फिर जो भी नंबर दूंगा जिससे कि मुझसे कांटेक्ट हो सके, तो अगर बाय द वे अगर ना भी माने, अगर 10 से 20 लोग ही अगर पर डे मुझे कॉल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना समय लग सकता है इस चीज में। और कोई भी वीडियो देख करके सीखेंगे नहीं, मेरे वीडियोस को कोई नहीं देखेंगे, सब कोई डायरेक्ट कॉल लगाएंगे मुझसे, पूछेंगे सर उसमें क्या करना है, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप में अपना यूजर आईडी पासवर्ड भेज देता हूं, आप लॉगिंग मार करके मेरा रिपोर्ट भेज दीजिए, या मेरा अश्विन ऐप में जो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड वाला जो भी चीज है उसमें मेरे अकाउंट में लॉगिंग मार करके प्लीज मेरा वो गलत हो गया उसको सही कर दीजिए। तो कोई भी वीडियोस नहीं देखेगा। और बाय द वे अगर मैं कहीं बिजी रहूंगा, मुझे और भी बहुत सारे काम है वीडियोस बनाने के अलावा, मेरे भी अपने प्राइवेट काम है, ये मेरा सिर्फ पार्ट टाइम जॉब है, मैं वीडियोस बनाता हूं, लोगों को जानकारी देता हूं ताकि लोग परेशान ना हो, लोगों को सही जानकारी मिल सके, लोग अपने से कुछ सीख सके और अपना काम खुद से कर सके, और करप्शन को बढ़ावा ना दे, और BCM और आशा फैसिलिटेटर ANM इन सबके चक्कर में ना आए, वरना इन लोग को शोषण कर देगा, मतलब पैसा मांगेगा इन लोग के साथ, बुरा बहुत कुछ कर सकता है। तो वैसा ना हो इसलिए मैं वीडियोस पब्लिश करता हूं लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को मैं नंबर दूंगा तो आप लोग मुझे फोन लगा करके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगेंगे। तो अगर मैं कॉल नहीं रिसीव करूंगा तो आप लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे कि बहुत भाव खा रहा है, ये है वो है, फोन लगाता हूं कैसा नंबर दे दिया, फोन नहीं उठाता। अगर बाय द वे अगर 93,000 या 1,00,000 के आसपास लोग, मैं से कंफर्म है कि 20 से 30 लोग पर डे मुझे फोन लगाएंगे अगर मेरा नंबर मिल गया तो। और फिर मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए बैठा हुआ हूं, मैं अगर फोन उठाता रहूंगा, सवालों का जवाब देते रहूंगा तो मेरी पूरी दिन ही खत्म हो जाएगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो हर बात का एक बात है कि मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं आप लोग से परमानेंट बात नहीं कर सकता मोबाइल के जरिए में। तो आप सभी का सॉल्यूशन यही है, आप लोग अगर बुरा ना माने तो आप भी मेरी तकलीफ को, मेरी प्रॉब्लम को समझिए। अगर जो भी दिक्कत है, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि कोई भी दिक्कत आता है तो आप स्पष्ट भाषा में, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, अगर इंग्लिश में टाइप करने नहीं पाते हैं तो आप हिंदी में टाइप करके जो भी आपकी समस्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूं, होता है मेरे पास समय नहीं होता है, मैं YT स्टूडियो में नहीं जा पाता हूं, आप लोग के कमेंट नहीं देख पाता हूं, तो मैं बाद में फिर से रिवर्स आकर के उन कमेंट को पढ़ता हूं एक दिन दो दिन बाद। तो आप लोग परेशान ना होइए क्योंकि मेरे पास भी समय की कमी है, तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं आप लोग के कमेंट जरूर पढ़ता हूं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि मैं आप लोग का कमेंट का जवाब नहीं दे पाया तो आप फिर दूसरे वीडियोस को देख करके उसमें कमेंट लिख दीजिए, क्योंकि देखिए आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो अब देखिए मैं तो सिर्फ उसी काम के लिए नहीं हूं कि आप लोग का हमेशा कमेंट देखते रहूं, तो मुझे भी अपने काम है, अपना काम में मैं बिजी रहता हूं, जब समय निकलता है तब फिर मैं आप लोग का कमेंट देखता हूं, और जिनका कमेंट मुझे लगता है कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाता हूं। आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, अभी मैं कमेंट पे वीडियो बना रहा हूं ताकि इस तरह के
सवाल अगर किसी के दिमाग में चल रहे होंगे तो उन लोग को इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मैं आप लोग से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो मैं सिंपल सा यही कह सकता हूं। और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगा और साथ ही मैं उस पर हो सकेगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन अगर मैं लेट कर देता हूं, एक दो दिन अगर आप लोग के सवाल का जवाब नहीं देता हूं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं हमेशा कमेंट देखता ही रहता हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा और साथ में हो सकेगा तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।